हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट एक्सपेरिमेंट वन। तो आप सभी को बता दूं कि इंग्लिश का आपका पेपर, जो आपका पेपर मंडे को होने वाला है, मिशन 2023 बोर्ड फाइनल पेपर। तो स्टूडेंट यार बता दूं, इसी में से पेपर आने वाला है। 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है, 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर है, जो 27 तारीख को होना है, मंडे को। तो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है। सबसे पहले देख लेना है सभी ने यार कि सेक्शन ए में 10 मार्क्स का है, और सेक्शन बी में 8 मार्क्स का है, और सेक्शन सी में 24 मार्क्स का है, और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का, सेक्शन ई में 29 मार्क्स का होने वाला है ये सारा सेक्शन। तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि पूरे 3 घंटे का समय है। सबसे पहले देखिए सभी ने बढ़िया से इसको कर लेना यार, और मोस्ट सैम्पल पेपर मैं दिखा दूँ विद सोल्यूशन। यार विद सोल्यूशन है यार आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला। तो सभी ने करानी है, और जल्दी से यार चैनल को, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक करना ना भूले स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिंपल है पैराग्राफ यार, सभी ध्यान से बहुत कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार ये जो सैम्पल पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद सोल्यूशन है यार, आपने घबराना नहीं है, विद सोल्यूशन है यार, विद सोल्यूशन। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, सेक्शन बी में आप सभी को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 8 मार्क्स का है स्टूडेंट यार। तो ये सभी आपके शॉर्ट वर्क आने वाले हैं स्टूडेंट। और सेक्शन सी आपको बता दूं, सेक्शन सी में आपका 24 मार्क्स का स्टूडेंट। तो जल्दी से ये देखिए, सारे क्वेश्चन हैं इनमें से, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से किसी 3 क्वेश्चन का उत्तर दे देना है आपने जल्दी से। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसमें से किसी एक का उत्तर दे देना है। और अब मेन कोर्स बुक पोएट्री में आ जाते हैं। तो सबसे पहले किसी 2 स्टैंजा का उत्तर दे देना है आपने, ठीक है। स्टैंजा वेरी इंपॉर्टेंट है। और सप्लीमेंट्री बता दूँ आपको स्टूडेंट कि सप्लीमेंट्री जो है आपके 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन में से जो आपके 9 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी ने इसको कर लेना यार। और सेक्शन डी में वोकेबलरी में आपका डू एज डायरेक्टेड है, जो आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, ये कर लेना है। और सेक्शन ई बहुत ही आसान होने वाला है स्टूडेंट, जो आपका 29 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे पहले सभी ने देखना है, ट्रांसलेशन है जो आपकी 5 में से कोई 3 करनी है, जो 3 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट जल्दी से सभी ने कर लेना है। और सेक्शन बी का ट्रांसलेशन है पंजाबी टू इंग्लिश, 5 में से किसी 3 का उत्तर देना है, ये भी 3 मार्क्स का स्टूडेंट। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड आ गया आपका, जो 10 मार्क्स का है। तो जल्दी से सभी ने कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। ये सब बहुत ही सिंपल है, और चेंज द वॉइस भी है, नरेशन वगैरह सब कुछ इसमें है। तो जल्दी से सभी ने कर लेना, ठीक है। और देखिए, ये पैराग्राफ भी है, इंडियन फेस्टिवल पैराग्राफ है, जो आपका 4 मार्क्स का है, ये भी सभी ने सॉल्व कर लेना है। इसके बाद लेटर देखो यार, लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों लेटर। 6 मार्क्स का लेटर है स्टूडेंट, 6 मार्क्स का लेटर है लेटर। यू आर मोनो, यू लिव एट 51 सेंट्रल टाउन नंगल, राइट अ लेटर टू योर फादर इज लॉन्ग टूर हिम फॉर न्यूज़, ठीक है स्टूडेंट। एक हाई स्टडिंग वाली स्कूल वाली लेटर, तो सभी ने जल्दी से कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके बढ़िया लिखने के 5 नंबर, गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स है स्टूडेंट। तो जल्दी से सभी ने ये सब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।